नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। HW24 न्यूज के सभी दर्शकों का हम नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आपके मन में जो सवाल हैं, इस कार्यक्रम में हम उन्हीं सवालों को अपने अतिथि से करते हैं। आज के कार्यक्रम में स्टूडियो में मौजूद हैं रियाजुद्दीन शेख, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। खरगोन शहर के पार्षद हैं, पूर्व कांग्रेस नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक तंजीम चलाते हैं वो मुस्लिम कमेटी की, उसके। रियाजुद्दीन जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। रियाज जी, एक लंबे समय तक आपने कांग्रेस में कार्य किया, कई मौक़ों पर शिकस्त खाती कांग्रेस को आपने फतेह में बदला और एकाएक आप नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़ के निर्दलीय खड़े हो गए। क्या क्या वजह रही इनके पीछे? कांग्रेस की विचारधारा हमारी हमेशा से रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और कौमी एकता रहा है, जो कांग्रेस से मिलता जुलता था। लेकिन कहते हैं कि उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ऐसी ही स्थिति बनी जब शहर में हंगामी हालात हुए, जब पूरे 5 साल बीत गए, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेसी नेताओं ने जब कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया, 15 महीने में कार्यकर्ता हताश थे। जो उम्मीदें बनी थी कि सरकार बदली है और उनके रुके काम होंगे, कार्यकर्ताओं का विकास होगा, लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस नेता मदमक्त होकर खुद का विकास करने में लग गए और कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया। काम यहीं नहीं रुका, जब नगर पालिका चुनाव आए तो हर अच्छा कार्यकर्ता जो सालों से रुका हुआ था, जो इंतज़ार में था कि उसको मौका मिलेगा लीडरशिप का, जब ऐसे में नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने अच्छे बड़े और जुझारू कार्यकर्ता और नेताओं को नज़रअंदाज कर चाटू कार्यकर्ता करने वाले स्टाम्पेड नेताओं को तवज्जो दी, ऐसे में हमने विरोध किया कि ऐसा रहा तो हम निर्दलीय चुनाव उतरेंगे। और यही हुआ कि हम सभी फैसला लेना पड़ा हमें कि हम निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव लड़े और विजय हासिल की। कांग्रेस ने आप जैसे बताया कि कुछ ऐसे लोगों को जो स्थानीय नेताओं के दाएं बाएं रहते थे या उनके समर्थक थे, उनको टिकट दिए। इस चीज़ का ये देखने में भी आया, जो परिणाम आया कि जो जिनको टिकट नहीं दिए गए थे और जो कांग्रेस के ही नेता थे जो निर्दलीय लड़े, वो जीते भी। और एक लगभग एक कारण माना जाता है कि कुछ नेता AIMIM में चले गए, कुछ नेता निर्दलीय लड़े और कांग्रेस को जो जीत मिलना थी नगर पालिका में, वो उसकी जीत उसके हाथ से मुट्ठी से सरक सी गई। इसके बाद स्थानीय नेताओं ने आपसे संपर्क किया, कोई चर्चा हुई? बड़ी अफसोस की बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस की स्थिति इतनी ख़राब रही कि पिछले चुनाव के मुताबिक कम से कम 20,000-25,000 वोट्स को कम मिला नगर पालिका क्षेत्र में। कांग्रेस के 33 में से सिर्फ 4 सीट जीत पाई, जबकि हमारे 8 लोग लड़े थे जिसमें से 7 लोगों ने जीत हासिल की। कांग्रेस के 4 उम्मीदवार जो जीते, मैं बताने जाऊंगा अनिल जी कि 4 उम्मीदवार जो जीते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा सहयोग रहा। ऐसी जगह से जहां से कांग्रेस नहीं जीती, जहां हिंदू बाहुल्य थे, अंजुमन नगर जीती वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 16 नंबर जीती जो हमारा ही वार्ड है, मुस्लिम क्षेत्र है, उनके सामने किसी कैंडिडेट ने खड़ा नहीं हुआ, औरमपुरा वाले वार्ड से जीती है, वो भी 600-700 वोट से जीत गए हमारे हीरा परमार जी, वहाँ भी मुस्लिम लोगों ने अपने योगदान से जिताया। ऐसे 4 वार्ड थे, 1 असलम भाई थे हमारे, उनके सामने भी कोई कैंडिडेट अच्छे खड़े नहीं किए, वो उसकी वजह रही कि 4 सीटें भी जो है हमारे सहयोग से ही जीत पाए। बाकी इसके अलावा शहर में आपने देखा होगा कि कांग्रेस कई जगह खाता नहीं खुल पाई। नहीं, उसके बाद कांग्रेस के नेता जो हैं उन्होंने क्या अपनी गलती को माना, क्या आप लोगों से संपर्क किया कि ठीक है निर्दलीय अभी हो गया, आप लोग जीत गए, वापस आप पार्टी के समर्थन में आ जाएं, ऐसी कोई चर्चाएं हुई हो? नहीं, इस टाइप से कोई घटनाक्रम नहीं हुई, कुछ उसने कोई बात की ना कोई चर्चा शुरू की। उसके बाद जो है 1 महीने तक समय रहा, इसके बाद नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों के चुनाव हुए, जब तक भी किसी
हमारे क्षेत्रीय विधायक या जिला कांग्रेस अध्यक्ष किसी ने किसी प्रकार की चर्चा नहीं की। उसका परिणाम यह हुआ फिर अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस को 4 वोट ही हासिल हुए। निर्दलीय हमारे हमने चुनाव का जो है नोटा में दिया। दूसरा उपाध्यक्ष के जो हमारे लड़े वाली चौबे उन्हें 11 वोट मिले। तो इस तरीके से कांग्रेस को और हमारे बीच में जो वैचारिक मतभेद हो गए थे उसका परिणाम हमने सीधा सीधा दिखाया। जहाँ 4 थी वहाँ ही हमारे साथ 11 थे। रियाज जी, आप बेबाक राय रखने में जाने जाते हैं और आपने बड़ी बेबाकी से बताया कि जो स्थानीय नेता हैं कहीं ना कहीं उनकी नज़रअंदाजी रही, जो कांग्रेस के जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा और उन्होंने जीत भी हासिल की। बावजूद इसके उन नेताओं ने ये कोशिश नहीं की कि इनको वापस अपने से जोड़ा जाए या उनसे बातचीत की जाए, नाराज़गी क्या है क्या नहीं। क्या आपने जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश स्तर पर उन लोगों को इससे सूचित कराया, और सूचित कराया तो उन लोगों ने क्या आपको क्या समझाइश दी या कोई सलाह दी? नहीं, आज दिनांक तक हमारे कोई जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस या क्षेत्रीय विधायक किसी से कोई चर्चा नहीं हुई और ना कोई ऐसी वापसी या समझाइश की कोई बातचीत हुई। आपने वरिष्ठ हमने आगे रखे को हमने पहल नहीं की, क्योंकि हम खुद आए हैं और अपनी मर्जी से हम खुद जाने नहीं सकते। नहीं, जब आप निर्दलीय लड़ने का आपने मन बना लिया था उस समय क्या आपने जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के कांग्रेस के उन लोगों को ये अपनी राय से सहमत करवाया, बताया उनको कि भाई इस प्रकार से हमारी उपेक्षा हो रही है और हम निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं? नहीं, वो सब बातें तो क्या जवाब थे उनके? सब बातें हुई। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वो कौन नेता थे जिनके पास आप गए थे, क्योंकि आखिर कुछ भी हो आज कांग्रेस जो है एक बार फिर से आपसे मैं आने वाले समय में और अभी सवाल करूंगा मैं आपसे गुटबाजी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक नया धड़ा तैयार हो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस की तरफ से टिकट जो है क्षेत्रीय विधायक तय करते हैं जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर जो भूमिका अदा करते हैं वो विधायक निर्वाचित विधायक करते हैं, रवि जोशी। प्रदेश कांग्रेस भी फॉर्म उनको दे देती है, वो जो तय करते हैं वो प्रत्याशी उन्हें बनाते हैं। तो ऐसे ही हमने भी जो विधिवत था, जो पर्यवेक्षक आए, हमने हमारी ताकत से पूरा, हमने कभी कमजोरी नहीं रखी। जी, 200-300-500 कार्यकर्ताओं के साथ हम रैली के साथ गए। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में मजबूती से हमने हमारा पक्ष रखा। बावजूद उसके टिकट नहीं दिया जा रहा। मैं समाज का जिला अध्यक्ष भी था, अल्पसंख्यक विकास कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष था, और लंबे समय से सुभाष यादव जी के समय से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, और हमेशा से मेरे बूथों पर कांग्रेस को बड़ी लीड मिली है। बावजूद इसके पक्षपात किया गया, टिकट नहीं दिया गया, समझाया गया आप बड़े नेता हो, आपको और कहीं ले लेंगे। जब इस छोटे पद के लायक नहीं समझ रहे तो फिर बड़े पद के लिए कैसा भरोसा करें? हमने फैसला लिया, भले ही पद छोटा है लेकिन हम हमारे उसूल की लड़ी थी, हमने लड़ी और जीती। एक युवा होने के नाते आपने बेबाक ढंग से बताया कि कौन वो लोग थे जिनके कारण आपको आगे प्रतिनिधित्व करने में का मौका नहीं मिला, और आप लोगों ने उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी जो आपने छोड़ा। ये तो रही आपके पार्षद बनने तक की कहानी, लेकिन आज विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और अगर यही परिस्थिति बनी रही, जैसे अभी हमने पता करा कि जो सह प्रभारी है, प्रदेश सह प्रभारी कांग्रेस के संजय दत्त, वो आए थे यहाँ पर, एक गुट ने गौरीधाम में उनसे मुलाकात की, दूसरे गुट ने जो अरुण यादव गुट कहा जाता है उसने गौरीधाम में उनसे चर्चा करने से मना कर दिया, अंततो गत्वा सर्किट हाउस में उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को लेकर जो चर्चा करना थी आगामी चुनाव को वो चर्चा हुई। तो ये गुटबाजी आखिर कहाँ ले जाएगी कांग्रेस को? क्या समझते हैं आप, अगले विधानसभा में ये सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे? गुटबाजी तो हर पार्टी में रहती है, लेकिन गुटबाजी को ख़त्म करने का प्रयास नेताओं ने करना चाहिए। जो मौजूदा जिला अध्यक्ष थे, मौजूदा विधायक है, उन्होंने बुलाना था, बहुत सारों की शिकायत थी, उनको बुलाया नहीं हुआ। मैं भी हूँ, मैं तो खैर पार्टी से अभी बाहर हूँ, लेकिन मैं भी, मुझे बुलाया भी नहीं और मैं गया भी नहीं। मतलब उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया कि जो पार्टी छोड़ गए हैं, कि कुछ भी कारण हो सकता है उनको बुला के? कोई ब्लॉक अध्यक्ष का फ़ोन नहीं, कोई जिला अध्यक्ष का फ़ोन नहीं, किसी का फ़ोन ना विधायक का फ़ोन, कोई का फ़ोन नहीं आता आज तक। हम हमारे प्रयास से लड़ रहे हैं, प्रयास से ही हम हमारे वार्डों में विकास कर रहे हैं, और यही प्रयास का नतीजा है कि आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ वार्डों में हमारा नाम सम्मिलित हुआ है वार्ड 12 का, और हमने उसका सम्मान भी पाया है कलेक्टर साहब से। तो इस टाइप के प्रयास होना चाहिए थे। गुटबाजी है वो पार्टी लेवल की, अभी मैं खैर पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन उसको जोड़ना था। मैं किसी गुटबाजी के मातहत नहीं गया, मैं वहाँ पे अपने प्रतिनिधित्व लेकर गया अल्पसंख्यक विभाग का, और जो संजय दत्त जी सब प्रभारी मध्य प्रदेश के आए थे उन्होंने हमने हमारी भावनाओं से अवगत कराया कि क्यों ना 70 साल में हमारी हिस्सेदारी तय की गई। आज 70 कमेटी 2005 में लागू हुई थी, मनमोहन सिंह की सरकार में हुई थी,
राजेंद्र सच्चर जो है उसके अध्यक्ष थे जी। उन्होंने 2006 में रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में मुस्लिमों की हालत देश में अनुसूचित जनजाति से बदतर बताई गई। फिर क्यों नहीं उसको लागू कराया गया? उसमें 9 रिपोर्ट उन्होंने दी थी कि आर्थिक, मौलिक और सामाजिक हर स्थिति में मुस्लिम जो है STSC अनुसूचित जनजाति से बहुत गया बीता है, तो उसके ऊपर प्रयास क्यों नहीं किया गया? उसमें सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि इन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, बिना ब्याज के लोन दिए जाए, इन्हें इनके मुस्लिम क्षेत्रों में स्कूल खोले जाएँ, महिला समूह बनाए जाए, मदरसों को आधुनिकीकरण किया जाए। ऐसे 9 कालम थे। इनको राजनीतिक में इनके वार्डों को आरक्षित नहीं किया जाए, ये सब चीज़ें मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपसे, ये सब चीज़ें रिपोर्ट दी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, रिपोर्ट दी है। तो ये रिपोर्ट को कांग्रेस ने क्यों नहीं शामिल की? सरकारें रही लंबे समय, जब तुम्हारे पास मौका था, जब मुस्लिमों को आप बढ़ाना चाहते हो, अल्पसंख्यकों को बढ़ाना चाहते हो, क्यों नहीं लागू किया? तो ये सब चीज़ें हमारे दिल में कहीं ना कहीं लगी हुई है, और जिससे हमारा शोषण हो रहा है वो सिर्फ हमको वोट बैंक समझा जा रहा है। इसके लड़े हम हमेशा लड़ते हैं, और जब तक के हमारे जो अभी भी हमने लिखित में दिया है कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारा अल्पसंख्यक विभाग है, हमारा आरक्षण है, हमारी जो भी सहायता है, वो उसको जो है मैनिफेस्टो में कांग्रेस करती है, तो जब भी हम आगे बात बढ़ाएंगे। देखिए, आप सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं, लगभग दशक बीतने को आ रहा है, मनमोहन सिंह सरकार ने उस पर विचार विमर्श चलते रहे, जो विपक्ष था वो उस पर अपने बयान देते रहा, कांग्रेस समर्थन में देती रही, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। और आज भाजपा की सरकार है, आज भी सच्चर कमेटी को लेकर गाहे बगा है, चर्चाएं होती है, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रही। उसमें बहुत से अब विपक्ष की सरकार आ गई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो सहमत हैं और असहमत भी हो सकते हैं। तो ये तो बात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की थी, लेकिन जो वोट बैंक वाली बात करते हैं, बार बार मुस्लिम जो जनप्रतिनिधि और नेता कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक समझा गया, तो जब फतवे जारी होते थे जामा मस्जिद से, और आप कर्नाटक का ही मामला देख लीजिए, कर्नाटक में भी एक तरह से उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई मुस्लिम जो है वोट देंगे और हमारा कैंडिडेट उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो नेता थे मुस्लिम नेता, वो चुपचाप बैठ गए। नहीं, तो वोट बैंक तो मुस्लिम समाज खुद, उसके जो नेता हैं वो खुद ये प्रमाणित करते हैं कि हम मुस्लिम वोट बैंक हैं। तो इस स्थिति में जो आम मुस्लिम है, जो एक गरीब मुस्लिम है, जो एक मजदूर मुस्लिम है, उसकी स्थिति तो वहीं की वहीं बनी हुई है। तो आप इसको कहाँ तक जायज़ समझते हैं, और इनसे कब मुस्लिम समाज ऊपर उठेगा, जब वो अब साबित कर पाएगा कि हम किसी के बंधुआ नहीं हैं, किसी के वोट बैंक नहीं हैं? हम हमेशा प्रयास करते हैं, हमने आवाज़ें उठाई है, हमारे लीडर और भी देश लेवल तक के लीडर हैं, गुलाम नबी आज़ाद हों, जी अहमद पटेल हों, हमारे भोपाल में भी आरिफ मसूद आरिफ वकील साहब हैं, और भी सब विधायक हैं, और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो भी प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पक्षपातपूर्व रवैया वो लागू नहीं कर पा रहा है। हमारे तो प्रयास हैं, और हमारे सबसे बड़ी कांग्रेस को वोट डालने का जो हमारा कारण रहता है वो जो है सद्भाव। हम चाहते हैं देश में सद्भाव रहे, कौमी एकता रहे, मिलनसारी रहे, विकास हो, धार्मिक आस्थाओं को ठेस न पहुँचाई जाए, निजी मामलों में बोला जाए, शरीयत में दखल अंदाजी ना हो, बस इन मुद्दों पर हम दे देते हैं। हमें तो लग रहा है लगातार विकास तो हमारा किसी पार्टी से नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ एक धारणा और एक मानसिक जो विचार है उसके माध्यम से हम उनको वोट दे रहे हैं, लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन हमारी इस बार जो है समाज जो है सक्रिय हो गया है, जागरूक हो गया है। हम चाहते हैं कि अब हमारे अधिकार लेने का वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अब हम ये सरकार बनने से पहले हम हमारे मुद्दे को जो है लागू करवा के रहेंगे। ये ऐसी लड़ाई हमारे पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी भी लड़ रहे हैं, अभी भोपाल में 25 तारीख को बैठक रखी है पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक नेताओं की। तो ये क्यों उठाना पड़ रही है? ये तो वरिष्ठ नेता हैं, कहीं ना कहीं राज्यपाल रहे हैं, कहीं मंत्री रहे हैं, असलम शेर खान है, आरिफ मसूद, कई बड़े बड़े नेता हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें ठगापन लग रहा है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और निरंतर लड़ते रहेंगे। देखिए, अभी एक देश एक कानून को लेकर भी जबरदस्त बहस छिड़ी है देश में, कि देश की जनता के लिए एक ही कानून हो, वो धर्म, जाति या जैसे आपने कहा शरीयत या किसी चीज़ पे भी आधारित ना हो, और इसका ज़बरदस्त विरोध भी हो रहा है मुस्लिम समाज की ओर से। तो आप इसको देश के हक में समझते हैं या मुस्लिम समाज के विरोध में? क्योंकि जो जमीयत से लेके आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जमीयत उलेमा हिंद के, उस नाते भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुस्लिम नेता इसको एक तरह से उनके खिलाफ़ मान रहे हैं। नहीं, खिलाफ नहीं मानते, देश के कानून का हम सभी पूरा समुदाय सम्मान करता है, इज्जत करता है और मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसमें जो है मान्यता दी है। हमारे मुस्लिम शरीयत के हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है बहुत सारे हमारे मसलक हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने भी और कानून में भी
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मान्यता दी है, उसके आधार पर सरकार नया अध्यादेश लाना चाहती है, नया कानून लाना चाहती है, उसमें यही है कि पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करके सभी नागरिकों के लिए समान कानून कर दें ताकि विसंगतियां समाप्त हो जाए। जैसे मैरिज एक्ट है, तलाक वाले मामले हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं, हमने एक्सेप्ट भी किए हैं, भले वो तीन तलाक हो, जो गलत होता था वो सही हो रहा है, तीन तलाक मामले और बहुत, लेकिन जो है हिजाब वाला मामला हो जी, और भी दो शरीयत के मामले जो रहते हैं, जो धार्मिक आस्था वाले मामले रहते हैं, वो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और जो हमारी शरीयत के हिसाब से है वो चलेगा, लेकिन देश का जो कानून है उससे कोई हटके नहीं है, उसको हम इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, उसका पालन करते हैं। रियाज जी, आपने बहुत से मामलों पर बेबाक अपनी राय बताई और आपने ये भी बताया कि कांग्रेस में क्या कारण रहे जो आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। ब्रेक के बाद हम आपसे विधानसभा चुनाव में खरगोन शहर की और खरगोन जिले की क्या स्थिति होगी इस बारे में भी चर्चा करेंगे और मुस्लिम समाज की इस बार का रुख क्या होगा विधानसभा चुनाव को लेकर इस पर भी चर्चा करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, तब तक देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। ब्रेक के बाद नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में HW24 न्यूज के सभी दर्शकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं रियाजुद्दीन शेख, पूर्व कांग्रेस के युवा नेता और वर्तमान पार्षद नगरपालिका खरगोन, जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं वो, और खुद भी एक प्रदेश स्तर की तंजीम चलाते हैं जिसके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हम उन्हीं से कांग्रेस में बहुत सी जो गुटबाजियों की के समाचार मिल रहे हैं, उन्होंने किस कारण से कांग्रेस छोड़ी, और खरगोन के जो मुस्लिम है, खरगोन जिले के जो मुस्लिम है, इन परिस्थितियों में आगामी विधानसभा चुनाव में उनका रुख क्या होगा, वो किस हद तक कांग्रेस के पास जाएंगे या वो भाजपा को पसंद करेंगे। रियाज जी, विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, खरगोन ने अभी कुछ ही समय पहले एक ज़बरदस्त उन्माद झेला और वो उन्माद ऐसा था सांप्रदायिक कि इसकी धमक दिल्ली तक पहुँची। आज तक जो केंद्र के नेता या केंद्र के सभी पार्टियों के नेता थे जो खरगोन का नाम नहीं जानते थे वो खरगोन का नाम पहचानने लगे। बुरी तरह से दो समुदायों में विवाद हुआ, उसके बाद काफ़ी हमारे यहाँ पे कर्फ्यू लगा, लेकिन वो जो शांति के कबूतर उड़ाते थे वो इन दंगों के बीच में नज़र नहीं आए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि यूँ तो सभी दिखते हैं हमको, शांति की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे उन्माद होता है या सांप्रदायिक स्थिति तगड़ी हो जाती है उस समय वो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शांति के प्रतीक जब अशांति फैलाने वाले के संरक्षक बन जाए, तो जब शहर में ऐसी घटनाएं ऐसी पैदा होती है जी, तो मैं इस मामले में कहूँगा यह काले अध्याय है, मतलब हमारे शहर के लिए छत में शांति प्रिय लोग हैं वो, बिल्कुल संरक्षण रहता है जी। हम देखते हैं कुछ असामाजिक तत्वों को पुलिस पकड़ती है और उनके संरक्षक पहुँच जाते हैं भीड़ ले लेंगे, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को जो संरक्षण देने वाले हैं मैं उनको दोषी मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शहर का लिए जो है काले अध्याय है, कहीं ना कहीं हमारी, मैं खुद की भी नाकामी मानता हूँ, प्रशासन की भी मानता हूँ, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं शांति के जो लिए काम करते हैं वो सब की नाकामी मानता हूँ कि इतने बड़ा घटना जो घटी है देश नहीं पूरे दुनिया में इसका जो नाम खराब हुआ है। आप लोगों ने भी सद्भावना मंच वगैरह लगा के प्रयास किए थे? मैं हमेशा से सद्भावना के लिए काम करता रहा हूँ, हमेशा हमने जो है हमारी बड़ा दिल करके हमने जो हर हालात में हिंदू मुसलमान को बांटने वालों की ताकतों को से निपटा है और शहर में सद्भाव कायम किया है, और हमेशा से मैंने जो है हमारे यहाँ से डोला निकलता है या अन्य निकलता है तो हमने हमेशा हमारे बड़ा दिल रख के उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया, हमारे क्षेत्रों से उनको हमने फूल बरसाए हैं। तो यही कारण है कि हम कहीं ना कहीं इस भावना से दूर हैं, सांप्रदायिक भावना से, और हम कौमी एकता की मिसाल पेश करते हैं और शहर में कौमी एकता की पटरी पर लाने में हमने काम किया है, और यही कारण रहा कि 15 अगस्त में हो या बार बार हमें जिला प्रशासन की ओर से इस सद्भावना के लिए और अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया है, आपने देखते भी हो, तो हमारा यही प्रयास रहा है। और आगे भी मैं मैसेज देता हूँ कि हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए आपस में ऐसा ईमान रखेंगे, संख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे,
काबा और काशी भी होगा साथ साथ, सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे। वाह साहब, बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति सबसे पहले मन में हिंदुस्तान रखे, क्योंकि ये देश है तभी हमें, देश है तभी हमारे धर्म है, देश है तभी जातियाँ, और देश है तभी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ और इनकी सफलता असफलता है। दंगों के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज में जो प्रतिक्रियाएं आई, वो प्रतिक्रियाएं क्या रही? वर्तमान में आप प्रतिनिधि भी हैं मुस्लिम समाज के, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मुस्लिम समाज का रुझान इस बार किस ओर होगा, अभी तक की जो परिस्थितियां उसको लेकर? उसमें दंगों के बाद जो है समाज बहुत टूटा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में लोग बंद हुए, निर्दोष भी हुए, जायज भी हुए, नाजायज भी हुए। हाँ, मुस्लिम समाज का ये आरोप भी था कि निर्दोषों को सारी तादाद जेल में बंद कर दिया गया है, और बाद परिवार के पूरे लोग बंद हो गए जी। ऐसी स्थिति में राजनीतिक लोग आगे नहीं आए, जनप्रतिनिधि लोग आगे नहीं आ पाए, किसी फैसला नहीं ले पाए, किसी से मिलजुल नहीं पाए, उसका जो है लोगों में आक्रोश है। वो विधानसभा चुनाव में जो है आक्रोश फूटेगा और उसके नतीजे भी गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि अच्छे नज़रिए से चुनाव को लड़ाया जाए, पुरानी चीज़ों को खात्मा किया जाए, पुरानी चीज़ों को दोहराना अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारा ये रहेगा विधानसभा चुनाव में, अभी हम सब समाज से मशवरा करेंगे, बैठकें होगी, जो अच्छा निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। अब पार्टी विशेष किसी के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, कांग्रेस को देंगे, भाजपा को देंगे, क्योंकि अभी मैं पार्टी का हूँ नहीं, समाज का जिला दिया, इस नाते भी मैं किसी पार्टी का भी समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन अच्छे जो कौम हित में हमारा काम करेगा, जो हमारे मैनिफेस्टो में हमारे मसलों को रखेगा, हम उसको तवज्जो देंगे। रियाज जी, जब जिस समय आप पार्षद का चुनाव निर्दलीय लड़ने जा रहे थे, उस समय एक ये भी चर्चा उठी थी कि आप AIMIM की ओर से पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में ये कोरी अफवाह साबित हुई और आप निर्दलीय लड़े और अच्छे मतों से आप जीते। आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि आप AIMIM के साथ मिल करके विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और लोगों के बीच ये चर्चा भी है कि इस बार रियाजुद्दीन शेख जो है विधायक के कैंडिडेट हो सकते हैं, वो निर्दलीय भी हो सकते हैं या AIMIM की तरफ से। ज़्यादातर असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी की तरफ से आपका नाम चल रहा है, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें? मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं किसी भी कट्टर सोच का समर्थक नहीं करता। मुझे लड़ना होता MIM से तो मेरे लिए नगर पालिका चुनाव में बहुत आसान था, बहुत सारे मेरे साथी लड़े थे, लेकिन मैंने किसी पार्टी का समर्थन किए बगैर निर्दलीय लड़ना चाहा, क्योंकि हमारी जो साफ सोच है, हमारी सोच है कि हम सेकुलर वाली सोच रखें, कौमी एकता वाली रखें, जिसका देश में भविष्य हो, जो पार्टी जो कुछ कर सकती हो, जो सरकार में आ सकती हो, सत्ता में आ सकती हो, ऐसी पार्टी का मैं समर्थन करता हूं। और आगामी चुनाव का आप बता रहे हैं जो MIM से, तो निराधार बात है, हो सकता है परिस्थिति बने, समाज बोले, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँगा, चुनाव लड़ने से इनकार नहीं है, लेकिन किसी ऐसी सांप्रदायिक पार्टी या कट्टर पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं इस पर चार लाइन कहना चाहता हूँ कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो जुल्मत के सिवा कुछ नहीं, ये दौर नफरतों का आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। बहुत अच्छा रियाज जी, आपने कहा कि जो भी नफरतें हैं उनका इलाज सिर्फ मोहब्बत ही है, और आपने कहा कि किसी भी कट्टरवादी सोच की पार्टी से आप टिकट लेकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे, हाँ स्थानीय स्तर पर अगर ये मांग रही तो आप चुनाव लड़ भी सकते हैं। आप पार्षद हैं, हम खरगोन शहर को लेकर एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि खरगोन शहर में जैसे जल आवर्धन है, एक बहुत बड़ी एक योजना थी, लेकिन अब वो योजना समस्या के रूप में देखी जा रही है, एक लंबा समय हो गया, समय बीतने के बाद भी वो योजना अभी तक खरगोन शहर में अपना जो मूर्त रूप लेना थी नहीं ले पाई, नगर पालिका भी बेजार है उस तरह से देखा है तो। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने 2-3 बार स्टेटमेंट दिया, हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि नगर पालिका के अधिकार में ब्लैक लिस्टेड करना नहीं है। FIR की बात हुई, FIR भी होने रही है, तो क्या गोलमाल है इसमें आखिर इस योजना में, कि जो अभी तक ठेकेदार भी किसी तरह से डर नहीं रहा है, नगर पालिका का अधिकार चल नहीं रहा है, क्या कारण है, जनता बीच में फंसी हुई है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया अनिल जी, बिल्कुल शहर के लिए जो है दुखद घटना है कि जो पूरी बनी हुई सड़कों को खोद दी गई और ऐसी लाइन डाल दी गई जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। आज देख रहे हैं कि जहाँ पे 2-3 फीट की लाइन होना थी वहाँ वो 6-8 इंच की लाइन डाल रहे हैं, बिल्कुल पैसों का, शासकीय पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये बड़ी राजनीतिक हस्तक्षेप का अधिकार में हो रहा है।
बढ़िया राजनीतिक जो है कोई नेता बोलने को तैयार नहीं। मैंने हर परिषद की बैठक में मैंने कई लेटर लगाए और यहाँ तक और मैं बता दूँ कि उस मामले में मेरी सीएम हेल्पलाइन भी चल रही है क्योंकि तो ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता कार्य नहीं किया जा रहा, समय सीमा में काम नहीं किया गया। दूसरी चीज़ बड़ी अनियमितता है, जो रोड उसको पूरा बना के पूरा शहर का बनाना था बनाया नहीं जा, कई जगह से डैमेज है पाइपलाइन। शहर में रोज नगर पालिका लोग आते हैं कि उनके यहाँ पर गंदा पानी उफान खा रहा है जो आज सुचारू रूप से जब संचालित नहीं हुई, उससे पहले जब ऐसी स्थिति बनी है तो आने वाले टाइम में बहुत हालत खराब होने वाली है। ऐसी कंपनी पर बिल्कुल FIR सीएमओ साहब ने करना चाहिए। वो पूर्व में प्रयास किए गए थे लेकिन कारण मालूम नहीं क्यों वापसी हो गई। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक हस्तक्षेप है जिसके कारण ये योजना सही तरीके से चल नहीं रही है। राजनीतिक हस्तक्षेप तो हम लगभग ये मान लीजिए इस बार तो अभी तो कई मामलों में देखा गया और उसको लेकर जनता नाराज भी है। और जहां भाजपा से वो इस मामले में लेकर नाराज है कि ये योजनाओं को मूर्त रूप समय पे नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ वो कांग्रेस या विपक्ष जो है मध्य प्रदेश का उससे भी नाराज है कि वो सही ढंग से इन मुद्दों को जनता के पक्ष में उठा नहीं पाया। यानी कुल मिला के दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं आम जनता की परेशानी के लिए, एक उनको सहयोग नहीं दे पाया और एक उसको विरोध नहीं कर पाया। लेकिन अभी बहुत सी जैसे खरगोन शहर है, खरगोन शहर में नगर पालिका नगर निगम के सपने देख रही है। यहाँ के जो नेता हैं वो कहते हैं आगामी समय में, और योजनाएँ बन भी रही हैं उसको लेकर के जो एरिया वगैरह कवर करना, लेकिन खरगोन शहर के पास अपना एक खेल प्रांगण नहीं है। नगर पालिका के पास खरगोन शहर में किसी भी प्रकार का कोई खेल मैदान नहीं है। इस स्थिति में आज विश्व योगा दिवस मनाया गया है, तो आप शहर की जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है नगर पालिका? नगर निगम क्या दूर है, ऐसे प्रस्ताव हैं या नगर निगम की बहुत बुरी दूर है। अभी नगर पालिका में व्यवस्थित रूप से संसाधन नहीं है, इंजीनियर नहीं है, काम करने के लिए बड़ा परेशान हो रहा है। अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट कलेक्टर साहब के पास चले गया वापसी नगर पालिका को, जिन्होंने उद्धार का था हमारा करीब 3-4 करोड़ रुपये का काम था जी, नवग्रह मंदिर वाला जी, तो वो चले गया नवग्रह कॉरिडोर वाला छिन गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है। तो इस नाकामी में जो है जो सत्ता पक्षी जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरा विपक्ष आवाज़ नहीं उठा रहा, तो कहीं ना कहीं दोनों दोषी है, जनता सही है कि जहाँ जुल्म करने वाला है और जहाँ जुल्म सहने वाले दोनों दोषी है, दोनों बराबर है। तो आज की तारीख में विपक्षहीन कांग्रेस चल रही है, नगर पालिका में भी हम निर्दलीय होकर वहाँ पर लड़े लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी लेवल का कोई ऐसा कोई काम नहीं है। रिया जी, आप एक पार्षद हैं और आपने काफ़ी बारीकी से शहर का अध्ययन भी किया होगा, इस समय ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आगामी विधानसभा में उठ सकते हैं और आप किन मुद्दों को हल करने के लिए सबसे पहले प्रयास करना चाहेंगे? क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, एक निर्वाचित प्रतिनिधि, और आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो ऐसे कौन कौन से यहाँ पे मुद्दे हैं जो आम जनता की सबसे बड़ी आवश्यकता है आज की तारीख में और जो जल्द हल होना चाहिए? खरगोन शहर की सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा है जल, उसको जल रोज़ मिलना चाहिए। आज ये जलवर्धन योजना लिया है लेकिन पानी लाने की व्यवस्था नहीं की। सबसे पहले नर्मदा लाइन लानी चाहिए थी, जब 24 घंटे पानी दे पाओगे आप। आज तीसरे दिन पानी देने में डैम पे पानी ख़त्म हो जाता है, अभी ख़त्म होने की स्थिति में 8-15 दिन पानी नहीं आया तो सूखा हो जाएगा, जल देना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये 24 घंटे की लाइन डाल दी इन्होंने 2500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को, तो पानी कहाँ से लाएंगे रोज देंगे? तो सबसे पहले बड़ी समस्या तो ये है कि इन्होंने योजना डाली, पानी लाने का इंतजाम नहीं किया, पानी वहीं से देंगे जहाँ से अपन तीसरे दिन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि इन्होंने सबसे बड़े मुद्दा ये है कि जल जो है नर्मदा का लाना चाहिए था और उसमें इनकी नाकामी, और यही प्रश्न विधानसभा में उठेंगे। रियाज जी, आप आज के कार्यक्रम में आए और आपने कई मुद्दों पर हमसे चर्चा की और अपनी जो स्पष्ट राय थी वो भी दी। आने वाले समय में आपने ये भी कहा कि हम अगर जनता का आप पे प्रेशर आता है तो आप विधायक के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कट्टरवादी सोच पार्टी के का समर्थन नहीं करेंगे, उसके टिकट पर नहीं खड़े होंगे। साथ ही आपने शहर में कई जो मुद्दे हैं आम जनता से जुड़े हुए उनको लेकर भी अपनी राय रखी और उन मुद्दों को हल करने की ओर भी आपने कहा कि इस प्रकार से उनको किया जा सकता है। आज आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में भी हम आपको इसी प्रकार से अपने कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा की जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष और खरगोन नगर पालिका के पार्षद रियाजुद्दीन शेख से। आने वाले कार्यक्रम में हम फिर किसी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे और नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में हम पूछेंगे आपसे जुड़े हुए सवालात, और साथ ही अगर आप भी किसी भी पार्टी के नेता से जुड़े कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम में
अपना प्रश्न व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हम उन सवालों को उन राजनीतिक दलों के नेताओं तक ले जाएंगे और आपके सवालों का पूरा पूरा जवाब हासिल करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी।